फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिनके अंदर जबरदस्त हलचल चल रही है आज, और उनकी वजह है बड़े बड़े जो है उनके अंदर स्टेक लिए जा रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया, तो वो क्या है स्टेप और उसका क्या फायदा हो सकता है, क्या उसका फायदा हम भी उठा सकते हैं। साथ में RBI की तरफ से एक बड़ा जो निर्णय था उसको टाल दिया गया, तो वो क्या निर्णय है और उसका जो नुकसान है वो किसको हो सकता है, और RBI के इस निर्णय के बाद में आगे क्या संभावना बन रही है, सारी की सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। और ऐसे स्टॉक जो आज बाजार में हलचल कर रहे हैं उनके पीछे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव वजह, जिनको जान के आप भी अच्छे से स्ट्रेटजी सेट करके इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका नज़रिया इंट्राडे का है या फिर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का है, तो भी ये वीडियो पूरा देखे, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी जिनके हिसाब से निवेश करके आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में हर शेयर के ऊपर रेगुलरली अच्छी नज़र रखें तो आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो स्टॉक है आज जो बहुत ज़्यादा माहौल में बने हुए हैं, तो उनमें कैनरा बैंक सबसे पहले निकल के आ रही है। कैनरा बैंक ने एक बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है, यानी राकेश झुंझुनवाला ने कैनरा बैंक में अपनी 1.59% की स्टेक ले ली है। और BSE के आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि 24 अगस्त को जो नया जो शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें राकेश झुंझुनवाला ने कैनरा बैंक में करीब 1.59% की हिस्सेदारी ले ली है। और इससे पहले मंगलवार सुबह कैनरा बैंक ने बताया कि इसने 16.73 करोड़ रुपीज़ के शेयर को अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। बैंक का करीब 2500 करोड़ रुपीज़ का QIP एक दिन पहले ही 23 अगस्त को बंद हुआ था। बैंक का QIP 17 अगस्त को खुला था। कैनरा बैंक के बोर्ड की सब कमेटी ने 24 अगस्त की बैठक में करीब 16.73 करोड़ शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी थी, और बैंक ने योग्य क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स को करीब 149.35 रुपीज़ के प्रति शेयर के हिसाब से ये स्टॉक आवंटित किए। और रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बैंक ने बताया कि उसकी योजना QIP से करीब 2500 करोड़ रुपीज़ जुटाने की है। इस योजना का फायदा उठाते हुए राकेश झुंझुनवाला ने भी करीब 1.59% की हिस्सेदारी अपनी ली है। फोर्टिज हेल्थ केयर के ऊपर भी न्यूज चल रही है। राकेश झुंझुनवाला परिवार ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है, कंपनी में करीब 4.21% की हिस्सेदारी बढ़ा के 5.47% कर लिया फोर्टिज हेल्थ केयर में। तो राकेश झुंझुनवाला का यहाँ पर भी निवेश बढ़ा है। साथ में HDFC बैंक ने CDSL में करीब 2% से ज़्यादा अपना हिस्सा बेच दिया है। HDFC बैंक ने 223 करोड़ रुपीज़ में ये हिस्सेदारी अपनी बेची है, तो CDSL से हिस्सेदारी कम कर ली HDFC बैंक ने। तत्व चिंतन फार्मा से भी न्यूज निकल के रही है। कंपनी के CFO महेश तन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। महेश तन्ना का इस्तीफा 31 अगस्त से लागू होगा। और साथ में फोकस में है अभी वेबको इंडिया। वेबको इंडिया के प्रमोटर OFS के जरिए 2% की हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। OFS के लिए फ्लोर प्राइस 6900 रुपीज प्रति शेयर तय किया गया है। गोकुल दास एक्सपोर्ट के बोर्ड ने करीब 300 करोड़ रुपीज तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, बाजार में जो सबसे बड़ी जो न्यूज निकल कर आई है वो ये है कि RBI ने NPCI के एकाधिकार को समाप्त करने वाला जो प्लान था उसको खारिज कर दिया है, फिलहाल टाल दिया है, यानी एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि फिलहाल उसको RBI अप्रूव नहीं करने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंटिटीज़ को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति देने और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी NPCI के एकाधिकार को समाप्त करने वाला प्लान टाल दिया है। और इसका कारण डेटा की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी आशंकाएं है। अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, टाटा ग्रुप सहित कम से कम 6 कंपनियों ने न्यू एम्ब्रेला एंटिटी यानी NUE के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। तो बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर इसके लिए आवेदन किया था, वो भी चाहते थे कि इस कमर्शियल जो डिजिटल नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है उसमें वो हिस्सेदार बने। RBI की ओर से पिछले वर्ष ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए जाने के बाद इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे सरकारी बैंकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने से रोक दिया था, क्योंकि वे NPCI के शेयर होल्डर्स है। RBI का मानना है कि विदेशी फर्मों को लेकर डेटा सिक्योरिटी का मुद्दा एक बड़ी चिंता है, और इस वजह से उसने अभी इन लाइसेंस को देने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने से फैसला रोक दिया है, यानी फिलहाल वो अब इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि RBI के इस प्लान के बाद यूनियंस बैंक यूनियंस ने शुरुआत में विरोध किया। हालांकि RBI के इस प्लान का बैंकों ने शुरू में जो बैंकों का यूनियन है उन्होंने शुरुआत में विरोध किया था। इसके अलावा सरकारी बैंक भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने से नाराज थे। बैंक यूनियन ने देश में
पेमेंट नेटवर्क बनाने की विदेशी एंटिटीज को अनुमति देने पर आशंका जगाई थी, और बैंकों का कहना था कि जो ऐसी सुरक्षा के मामले में किसी भी विदेशी कंपनी को इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ फेडरेशन जैसे यूनियन ने RBI को लाइसेंस की प्रक्रिया को रद्द करने और NPCI को मजबूत करने का निवेदन किया था। यानी जो बैंक है सारे यूनियन, उनका कहना था कि ऐसे जो जो मामला है जो जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है, तो पेमेंट जो ये नेशनल पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन के जो सिस्टम है ये NPCI के पास ही रहना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए, न कि विदेशी कंपनियों के हाथ में इसे सौंपा जाना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं करने के वजह से ही मास्टर कार्ड पर हाल में ही लगाया गया प्रतिबंध था, और इसका जो कारण एक ये भी है, और इसी इस प्रक्रिया को टालने का कारण जो है मास्टर कार्ड भी है, जिन्होंने जो नियम है उनका पालन पूरी तरह से नहीं किया था, और इसी वजह से आगे भी ऐसी कंपनियां कुछ गलतियां कर सकती है, और इसी वजह से RBI ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा किया जाएगा। फिलहाल जो है NPCI इसके लिए एकाधिकार के लिए कंपनी है, और जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है जो सुरक्षा है वो चाक सौबंद रह पाए, मजबूत रह पाए, और इसीलिए RBI ने इस निर्णय को टाल दिया है, जिससे एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल अमेजोन, गूगल, फेसबुक, टाटा ग्रुप और रिलायंस जैसी कंपनियों को लगा है, जो चाहती थी कि वो भी इस बड़े बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बने, और उनकी एक तमन्ना थी, और इसीलिए उन्होंने इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया था, परंतु अब RBI की तरफ से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। और एक तरह से ये बहुत अच्छा ही निर्णय, क्योंकि जो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और जो इस बड़े ट्रांजेक्शन के अंदर आगे भी बहुत सारे घपले होने की संभावना बन सकती थी, और इसीलिए इसको टाला गया है, तो निर्णय तो अच्छा ही है, और इसको अगर मजबूती के साथ में पेश किया जाए तो आगे संभावना फिर बन सकती है। वैसे कंपटीशन होनी चाहिए, इसमें भी एकाधिकार जो है NPCI का जो एकाधिकार है उसकी जगह पे एक और ऐसा ही कोई सरकारी बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए, ये संभावना बन सकती है। अभी फिलहाल जो है बहुत सारे जो स्टॉक है जो पॉजिटिव बने हुए, उनमें निवेश आप कर सकते हैं, और फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में भी निवेश के लिए मौका बन रहा है। बहुत सारे बैंकों के जो शेयर है काफ़ी फेयर प्राइस में मिल रहे हैं, उनमें आपको निवेश करना चाहिए। साथ में मेटल सेक्टर में आगे तेजी की संभावना बनी है, तो वहाँ पे आप निवेश का जरिया ढूंढ सकते हैं। FMCG सेक्टर में भी बहुत सारी संभावना है। एग्रीकल्चर के जो स्टॉक है वो भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुके। सीमेंट सेक्टर में शानदार तेज़ी की वातावरण बनी हुई है, आप उनमें से भी अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके अपना निवेश कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके अपने हिसाब से चुन के कामकाज कर सकते हैं। और अगर आप अपने ब्रोकर से खुश नहीं है तो भी अपने ब्रोकर को चेंज करने के लिए वहाँ पर जाके आराम से लिंक के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के बारे में आप अपना विचार कर सकते हैं, बहुत ही पुराने और जाने माने रेपुटेड फॉर्म है जो आपको एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छे से निवेश कर पाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब स्टॉक है नए जमाने के, वो भी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, साथ में एलिस ब्लू है, एडलवाइज है, बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।